गुड मॉर्निंग बेटा, आप लोग को चैप्टर 7 जो मिट्टी का बारे में बताया था, सॉइल के बारे में था, वो आपको कल बता दिया गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज आपको पढ़ना है चैप्टर फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और उनके तत्व के बारे में, पोषक तत्व के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, इन दिस चैप्टर गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड एंड व्हाई शुड वी एक्सरसाइज डेली। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो अलग अलग पोषक तत्व हैं भोजन में उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और क्यों ये एक्सरसाइज प्रतिदिन हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, इसके लिए भी हम करने चाहिए, क्यों हमें करना चाहिए, यह भी हम जानेंगे, ठीक। पॉइंट है, नीड ऑफ फूड, भोजन की जो आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, भोजन के पोषक तत्व, गुड ईटिंग हैबिट्स, ठीक है, अच्छे भोजन करने की जो हैबिट है, नीड फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की आवश्यकता, ठीक है। एक्सरसाइज आवश्यकता किस लिए है, उसके लिए हम आप क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। आइए पॉइंट फर्स्ट, नीड ऑफ फूड, भोजन की आवश्यकता, ठीक है, इसके बारे में आज देखिए। ऑल द मशीन्स नीड एनर्जी टू डू वर्क, सभी मशीन को आवश्यकता होती है वर्क करने के लिए एनर्जी की, है ना। वर्क यदि कोई करेगा तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, बिना एनर्जी के कोई वर्क तो करेगा नहीं, तो यानी कि सभी मशीन को वर्क करने के लिए एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, द एनर्जी नीडेड बाई कार टू मूव इज ऑब्टेन फ्रॉम बर्निंग फ्यूल लाइक डीजल एंड पेट्रोल। देखिए, कार को मूव करने के लिए, यानी कार को चलने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होगी। कार कैसे चलेगी, जब तक उसे एनर्जी नहीं मिलेगा कार तो चलेगी नहीं, तो वह एनर्जी उसको कौन देता है, डीजल या पेट्रोल। डीजल या पेट्रोल जल करके वो क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, जिससे कि कार हमारा क्या करता है, वो चलता है। यानी कि हर मशीन को चलने के लिए, कार्य करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी, ठीक। देखिए, आवर बॉडी ऑल्सो वर्क लाइक अ मशीन, हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। हमारा जो शरीर है वह भी किसकी तरह कार्य करता है बेटा, मशीन की तरह कार्य करता है ना। यह भी क्या है, मशीन है, यह हमारा मशीन की तरह कार्य करता है, ठीक। टू डू वर्क आवर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड दैट वी ईट। टू डू वर्क, हम लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं, आवर बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड दैट वी ईट। हम लोग, हमारा जो शरीर है वह कार्य करता है कब, जब हम भोजन कर खाते हैं, उस भोजन से ही हमारा शरीर एनर्जी लेकर के क्या करता है, कार्य करता है। यानी हमारी जो बॉडी है वो भोजन के जरिए एनर्जी लेती है, उसके बाद वो क्या करती है, कार्य करती है, ठीक। अब देखिए, वी ईट वीट राइस वेजिटेबल फ्रूट्स एंड पल्स, हम लोग क्या खाते हैं, अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, ये सब खाते हैं। इसी सब चीज़ों से हमारी शरीर क्या करेगी, एनर्जी लेगी। देखिएगा, सम पीपल्स आल्सो ईट मीट फिश एंड एग, कुछ जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, है ना। दस फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क एंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, इस प्रकार हमारा शरीर क्या करता है, भोजन, इस प्रकार भोजन क्या देता है, एनर्जी देता है कार्य करने के लिए, और हमारे शरीर क्या करते हैं, निम्नलिखित फंक्शन को करती है, ठीक है। पहला देखिए, फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, भोजन क्या देती है, एनर्जी, ऊर्जा देती है कार्य करने के लिए। भोजन क्या देती है, ऊर्जा देती है कार्य करने के लिए। स्टडी एंड प्ले, स्टडी एंड प्ले, स्टडी करने के लिए और खेलने के लिए भी भोजन क्या देती है, ऊर्जा देती है। सेकंड देखिए, इट हेल्प अस टू ग्रो, यह किसमें सहायता है, हमारे विकास में भी सहायता है, ग्रो करने में भी सहायता है। यानी भोजन जो है, जो एनर्जी देती है, वह विकास करने में भी क्या है, सहायक है। तीसरा पॉइंट देखिए, इट रिपेयर द डैमेज बॉडी पार्ट, और यह क्या करती है, हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट डैमेज है यानी खराब है, उसको भी वो क्या करती है, रिपेयर करती है, यानी कि मरम्मत करती है, ठीक है। चौथा देखिएगा, इट कीप अस फिट एंड हेल्दी, यह क्या रखती है, हमें फिट और हेल्दी रखती है, स्वस्थ रखती है ना, ये हमें फिट और स्वस्थ रखती है, फिट और हेल्दी रखती है, ठीक है। पाँचवा देखिए, इट मेक्स अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, यह क्या बनाती है, हमारे बोन्स यानी हड्डियों को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, कि मजबूत बनाती है, ठीक है। भोजन क्या करती है, हमारे हड्डियों को और मसल्स को क्या
करती है, वो स्ट्रांग बनाती है यानी कि मजबूत बनाती है। ठीक, आइए देखते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, भोजन के जो पोषक तत्व हैं आज हम उसके बारे में देखते हैं। देखिए, फूड कंटेन्स वेरियस सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू द बॉडी। देखिए, भोजन में अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं जो कि क्या करते हैं, पोषण हमारे शरीर को क्या करते हैं, पोषण देते हैं। ठीक, दे आर कार्बोहाइड्रेट, वे कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, रफेज यानी चारा एंड वाटर, ये सब क्या हैं हमारे भोजन में के कॉन्टेंट्स हैं। ठीक है, उसमें ये उपस्थित रहते हैं। देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वसा, देखिए कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एनर्जी गिविंग फूड फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के भोजन में महत्वपूर्ण एनर्जी देने के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ठीक है, राइस व्हीट पोटैटो शुगर हनी आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें अधिक रहती है बेटा, राइस में, चावल में, व्हीट पोटैटो शुगर हनी इस सब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होती है, अधिक रहती है। ठीक है, क्या रहती है, अधिक रहती है। अब देखिएगा, पीपल्स हु डू मोर फिजिकल वर्क्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, जो लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उन्हें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, जो लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक चाहिए होगी। ठीक, शुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं जो कि पहला क्या है, शुगर और दूसरा है स्टार्च। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में दो प्रकार के पाए जाते हैं, शुगर और स्टार्च। ठीक, आइए देखते हैं फैट्स, फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड, भोजन एनर्जी देता है, फैट्स भी, फैट भी क्या है, भोजन का ही एनर्जी है। ठीक, द गिव मोर एनर्जी देन स्टार्च और शुगर, ये क्या करता है, स्टार्च और शुगर से ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, फैट्स हेल्प टू कीप अवर बॉडी वार्म, फैट्स क्या करता है, हमारे शरीर को गर्म रखने में सहायक होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज, एक्स्ट्रा फैट, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा फैट स्टोर की जाती है अपने बॉडी में किसके लिए, फ्यूचर यूज, यानी कि फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उसे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक, बटर, घी, कुकिंग ऑयल एंड नट्स आर रिच इन फैट्स, फैट्स की अधिकता किसमें होती है, बटर में, घी में, कुकिंग ऑयल जो बनाने वाली ऑयल है एंड नट्स, इन सबों में क्या होती है, अधिक मात्रा में फैट्स पाई जाती है। एक्सेस ऑफ फैट्स मेक्स अस फैटी एंड लीड्स टू मेनी डिजीज, एक्सेस ऑफ फैट, यदि ज़्यादा फैट हो जाता है तो वह क्या बना देता है, फैटी बना देता है, हम लोग को क्या बना देगा, वो फैटी बना देगा एंड लीड्स टू मेनी डिजीज, और क्या होगा, बहुत अधिक बीमारियाँ आने लगेंगी। ठीक है, यदि फैट ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत अधिक बीमारियाँ होने लगेंगी। ठीक है, आने लगेंगी। आइए देखते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है, यानी कि यह बॉडी को बनाने वाला कार्य करता है। ठीक, दे हेल्प अस टू ग्रो, यह किस में सहायक है, यह विकास में सहायक है, यानी कि ग्रो करने में यह क्या है, सहायक है। दिस इज वाई चिल्ड्रन नीड फॉर प्रोटीन, यह बच्चों को क्यों अधिक मात्रा में प्रोटीन चाहिए, एग्स, फिश, मीट, चीज, बीन्स, फल, सोयाबीन आर रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक किसमें मिलती है बेटा, अंडे में, मछली में, मीट में, चीज, बीन्स, ये सब क्या है, इन सब चीज़ों में, दालों में, ये सब चीज़ों में क्या मिलती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक मिलती है। विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव, जो विटामिन्स है वो क्या है, प्रोटेक्टिव फूड्स है। ठीक है, दे हेल्प अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज, ये क्या करती है, हमारे शरीर को जो बीमारियां हैं उससे लड़ने में क्या करती हैं, सहायक होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे अंदर जो बीमारियां हैं उससे
लड़ने में प्रोटीन क्या करती है, विटामिन क्या करती है, सहायक होती है। वी मस्ट रेगुलरली हैव फूड विच कॉन्टेन विटामिन थ्रू आवर बॉडी नीड्स ए वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ दे। हम लोग को क्या चाहिए कि रेगुलर हमारे भोजन में कुछ कॉन्टेंस विटामिन के होने चाहिए। थ्रू आवर बॉडी नीड्स ए वेरी स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ देम फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल फिश मीट इज स्प्राउटेड बीन्स आर रिच इन विटामिन, ठीक है। यानी हम लोग को प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा है, ठीक है, यानी विटामिन की मात्रा हमें लेनी चाहिए। ये किस में मिलती है, फ्रेश फ्रूट में, ताजे जो फल होंगे उसमें मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिल्क फिश मीट एग्स। स्प्राउट बीन्स किसको कहते हैं, जो अनाज जो जमे रहते हैं, जिसके मतलब देखेंगे अंकुरित हो जाते हैं, वो हमारे स्प्राउट कहलाएंगे, ठीक। रिच इन विटामिन, इन सब में विटामिन की मात्रा अधिक होती है। इन सब में विटामिन की मात्रा क्या होती है बेटा, अधिक होती है। देखते हैं मिनरल्स, मिनरल्स आर आल्सो प्रोटेक्टिव फूड। मिनरल्स भी क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। दे कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, ये क्या रखती है, ये हमें फिट और हेल्दी रखती है, ठीक है। मिनरल्स क्या करती है, फिट और हेल्दी रखती है। द हेल्थ इज इंफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, ये बोन्स को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन में देती। टीथ एंड बोन ब्लड, ये बोन्स टीथ और ब्लड तीनों को क्या करेगी, सहायक प्रदान करेगी। कैल्शियम पोटेशियम सोडियम आयोडीन एंड आयरन आर सम एग्जांपल ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स से कुछ एग्जांपल क्या क्या है, पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है, आयरन है, ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक। वी गेट मिनरल्स फ्रॉम फ्रेश वेजिटेबल्स मिल्क क्रेल्स एटीसी। हम लोग को क्या, हमें लेना चाहिए मिनरल्स किससे, ताज़े सब्जियों से, मिल्क से, ठीक है। इन सब चीज़ों से क्या करने चाहिए, हमें मिनरल्स को लेने चाहिए। इधर तो रफे जो चारा है, रफेज आर फूड आइटम फ्रॉम प्लांट दैट हैव फाइबर, ठीक है। जो चारा है हमें वो भोजन का एक आइटम है, जैसे जो कि पौधों के आइटम है, किसके हैं, पौधों के द्वारा आइटम मिलता है ये। इट हैज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या होता है, पाचन की क्रिया में प्रॉपर फंक्शन करता है, ठीक है। इट एड बल्क टू द फूड, ठीक है। इट हैज टू रिमूव वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी, और ये क्या करती है, हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालने में क्या करती है, कार्य करती है। समझ में आ रहा है बेटा, यानी ये क्या है, पौधों से ये मिलता है, और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा, ठीक। वाटर, वाटर देखिए, मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज बिकॉज ऑफ वाटर, ज़्यादातर जो शरीर का भार है वो किसके जरिए है, क्योंकि पानी के जरिए। 3/4 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर, शरीर का जो वेट है उसका 3/4 भाग जो है क्या है, पानी है। इट हेल्प इन मेकिंग फूड सॉल्युबल, या क्या करता है, भोजन को विलयन के रूप में चेंज करने में सॉल्युबल, डाइजेस्टिबल एंड एब्जॉर्बेबल। ये पाचन की क्रिया में और अवशोषित की क्रिया में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इट हेल्प इन रिमूविंग बॉडी वेस्ट, और ये क्या करती है, शरीर की जो वेस्ट है उसको भी क्या करता है, रिमूव करने का कार्य करता है। इट आल्सो हेल्प इन मेडी बॉडी फंक्शन, ये हमारे शरीर के अन्य फंक्शन को भी क्या करती है, सहायक होती है। वी लूज वाटर व्हेन वी स्वीट आर पास आउट यूरिन, ये क्या करते हैं, यह यूरिन के जरिए हमारा जो है उसको क्या करती है, वेस्ट बाहर निकालती है। सो वी मस्ट ड्रिंक वाटर ए लॉट ऑफ एवरी डे, इसलिए हमें क्या चाहिए, प्रत्येक दिन अत्यधिक मात्रा में पानी को पीना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन अत्यधिक मात्रा में हमें पानी को पीना चाहिए। अब देखते हैं बैलेंस डाइट, इसे हम क्या करेंगे बेटा, कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको रिवाइज किया गया, आप इसको क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसको बताया जा रहा है इसको ध्यान से समझिएगा, और जितने भी पीछे चैप्टर पढ़ा दिए जा रहे हैं, रिविज़न करा दिए जाएंगे, उसको एक क्वेश्चन आंसर भी आप क्या करते जाइए, लर्न करते जाइए, और मीनिंग भी उसका लर्न करते जाइए। लर्न करके उसको किसी कॉपी पे लिखते जाया करिए, ताकि वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और वो भूलेगा भी नहीं, ठीक है बेटा। बाय बेटा।